हरियाणा के करनाल में अतिथि अध्यापक संघर्ष समिति की ओर से आमरण अनशन शुरू कर दिया गया है, जिसके तहत एक अतिथि अध्यापक आमरण अनशन पर बैठ चुका है। वहीं करनाल में मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के ओएसडी अमरिंदर सिंह के निवास पर बड़ी संख्या में गेस्ट टीचर इकट्ठे होकर पहुंचे और अपनी मांगों को लेकर सरकार के विरोध में नारेबाजी की गई। इस मौके पर उन्होंने जिला प्रशासन की ओर से तहसीलदार को ज्ञापन भी दिया एवं अपनी मांग सम्मान वेतन समान काम को पूरा करने का आह्वान किया। इस मौके पर अतिथि अध्यापक संघ की प्रदेश अध्यक्ष मैना यादव ने कहा कि अभी संघर्ष समिति द्वारा एक अध्यापक को आमरण अनशन पर बैठाया गया है, अगर मुख्यमंत्री उनकी मांग को पूरा नहीं करते तो आगे और भी अध्यापक आमरण अनशन पर बैठेंगे और सरकार को अतिथि अध्यापक की मांग को पूरा करने के लिए मजबूर कर देंगे। इस मौके पर जिला प्रशासन की ओर से तहसीलदार एवं डीएसपी ने पहुंचकर प्रदर्शनकारी अतिथि अध्यापकों की बात सुनी और उनको आश्वासन दिया कि लिखित रूप में मिलने का समय दिया जाएगा एवं मुख्यमंत्री से मिलकर उनकी मांगों को पूरा करने का प्रयास किया जाएगा। इस मौके पर बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया था ताकि प्रदर्शनकारियों द्वारा कोई भी शरारत या गैर कानूनी कार्रवाई ना की जाए और उनके खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाएगा। वहीं गैस टीचर ने आश्वासन के बाद धरना स्थल पर पहुंचकर अपना विरोध प्रदर्शन जारी रखा। यही बात हुई थी सर अंदर की, हम बोलेंगे। बैठ जाओ जी। कल आप 11 बजे तो आपको वहाँ चंडीगढ़ का 2 विषय मिलेगा, वो बता दिया जाएगा, लिखित में दे देंगे आपको। इसके गुल्लर साहब के साथ ही? हाँ, 2 विषय 11 बजे 11 बजे इनके साथ ही। कल 11 बजे नाम बता दो जी, किसके साथ है जी मीटिंग इनकी? दिशावाद बाहर रहती है, उसे पूछ के मैं बताया, सुबह बताया जी। आप अंदर से पूछ के नहीं आए जी? साहब से करानी थी। एक मिनट भाई साहब, एक दस हो जाओ। हाँ जी। आज जो हम सीएम सिटी में संघर्ष समिति की जो प्रदेश अध्यक्ष में मैना यादव, हमारी जो यहाँ हमारा आंदोलन शुरू हुआ है, एक हमारे गेस्ट अतिथि अध्यापक हैं जिन्होंने आमरण अनशन शुरू किया है। हमारी एक ही मांग है जो मुख्यमंत्री सीएम साहब ने जो वादा किया था हमारे साथ, समान काम समान वेतन का, वो वादा पूरा किया जाए जब तक हम नियमित नहीं होते। आज क्या बात हुई? आज हमारी हमारे जो तहसीलदार साहब है सीएम करनाल के, उन्होंने कहा कि भी कल आप तहसील ऑफिस में आइए और आपको फिर हम अथॉरिटी लेटर बना के गवर्नमेंट की तरफ से आपको खुल्लर साहब से मिलाने के लिए तारीख देंगे। तो आज हम फिर अपने धरने पे वापस जाते हैं, तब तक हमारा धरना आमरण अनशन और हमारा प्रदर्शन चलता रहेगा जब तक हमारी मांग मान ना ले सरकार, समान काम समान वेतन की, और लिखित में लेटर जारी नहीं हो जाता तब तक हम सीएम सिटी। कौन कौन है और कितने लोग बैठे? अभी तो फिलहाल है कि हमारा अतिथि अध्यापक है जिसका नाम राजकुमार है, जो तहसील लाडवा से और जिला कुरुक्षेत्र से है। उसके बाद हम कोई भी कदम उठा सकते हैं अपने इस समान काम समान वेतन के लिए जो सरकार सोच भी नहीं सकती। JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace Rajgharana and the finest banquet hall Jyoti Garden. World-class catering, centrally air-conditioned, lush green lawns, state-of-the-art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise. ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कर बेल आइकन को दबाएं।